हाय फ्रेंड्स, मैं अविनाश चौहान अविनाश इंफोटेक चैनल पे आपका स्वागत वेलकम करता हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम कैप्टिव पोर्टल इनेबल करते हैं और किस तरह से यूजर क्रिएट करते हैं और उसको किस तरह से फायरवॉल रूल से इनेबल करके इंटरनेट तक पहुँचाते हैं। तो मेनली मेरा ये है कि मैं कैपिटल बेस्ड फायरवॉल रूल बनाऊंगा, यूजर बनाऊंगा और उसको यूजर से कैसे लॉगिन करते हैं इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वो बताने वाला हूँ। तो मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, कहीं भी बीच में ड्रॉप ना करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फायरवॉल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ऑथेंटिकेशन में जाना है। ऑथेंटिकेशन में आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे आपको यूजर्स दिख जाएंगे। आपको यहाँ पे एक यूजर बनाना पड़ेगा। जैसे मैं डेमो के लिए अभी एक यूजर बना रहा हूँ, अपना नाम ही डालता हूँ अविनाश। वापिस अगेन नाम डाल देता हूँ, आप जो जो आपको मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ। अब यहाँ पे पासवर्ड, पासवर्ड आप जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगेन मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंडेटरी है दोस्तों, तो कुछ नहीं करने का, यूजर का नाम डालने का और gmail@.com डाल देने का, सैंपल बन जाएगा, कुछ करना नहीं आपको है। और सीधा आप नीचे चले जाइए, इतना वापस बताइए, इतने ही डिटेल फिल करना है। उसके बाद आपको सीधा नीचे आना है और यहाँ पे आप आपका, अगर मैं आपके पास मैक बेस्ड बनाना है हर यूजर को, मींस जो भी यूजर्स है जिस सिस्टम से लॉगिन करेगा उसी सिस्टम पे ये यूजर चलना चाहिए, उसी उसके अलावा किसी सिस्टम पे नहीं चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको उस सिस्टम यूजर्स का मैक एड्रेस यहाँ डाल देना है, तो उससे उसी सिस्टम के चलेगा और किसी सिस्टम पे नहीं चलेगा। तो मैं इसको डिसेबल करता हूँ क्योंकि मैं अभी मैक बेस्ड नहीं बना रहा हूँ। तो आप मैक बेस्ड भी बना सकते हैं, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे हमने ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हम ओपन ग्रुप कर देंगे, जस्ट इसको अप्लाई कर देंगे। कुछ नहीं करना, यूजर नेम डालना, ईमेल आईडी डालना, ओपन ग्रुप करना है। अगर हम आपको मैक ऑथेंटिकेशन इनेबल रखना है कि हर एक यूजर से, जो यूजर जिस पीसी से लॉग इन करे उसका मैक आईडी इसमें डाल देंगे, तो सिस्टम उसी से लॉग इन होगा और किसी सिस्टम से लॉग इन नहीं कर सकता। ठीक है, हमने यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमको फायरवॉल लॉग इन करना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है, उसके बाद यूजर में जाना है, एक ऐड यूजर करना है। हमने ऐड यूजर कर लिया, उसके बाद यहीं पर तीसरा ऑप्शन है कैप्टिव पोर्टल। आप कैप्टिव पोर्टल में आ जाइए। कैप्टिव पोर्टल में आने के बाद आपको डिफ़ॉल्ट है, कस्टम है और चूज है। आप इसमें अपने कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं या अपने कंपनी का टाइटल, नाम, फूटर, हेडर सब डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे यूआरएल आपका कोई है वो डाल दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉगिन टू हेडर पेज में, एक्चुअली मैं अपना नाम डाल देता हूँ अविनाश। इन्फोटेच मैंने अपने चैनल का नाम डाल दिया और इसको यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड का या ऑथेंटिकेशन कैप्टिव पोर्टल का, तो हम एक बार प्रीव्यू करके देख लेते हैं कैसा दिखेगा। देखिए हमारा कुछ इस तरह से यूजर पोर्टल दिखेगा। आप यहाँ पे अपने कंपनी का लोगो डाल देंगे तो ये हट जाएगा। कलर भी आप वहीं से चेंज कर सकते हैं, मीन सारा ऑप्शन आप वहीं से चेंज कर सकते हैं। सिंपल दोस्तों, आपको नीचे और आ जाना थोड़ा सा। यहाँ से देखिए आपको कलर के कोड्स दिए हुए हैं, आप जो भी कलर आपको चाहिए वो गूगल में कोड सर्च कर लीजिए उस कलर का, और वो कोड यहाँ पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक कलर में चेंज हो जाएगा। इतना ही है। अगर हम आपको इससे भी अच्छा, अगर हम आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपर है कोई, तो आप यहाँ पे कस्टम यूज अ कस्टम HTML टेम्पलेट बना सकते हैं, जो सेम यही रहेगा, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो मैं इसको सेव कर दो दोस्तों। इसी तरह आपको भी एक कैप्टिव पोर्टल बनाना है, अपनी कंपनी का नाम, लोगो डालना, क्योंकि इसमें सब कुछ बना बनाया है, जस्ट आपको डेटा फीड करना है। तो हमने अभी क्या किया, एक यूजर बनाया, कैप्टिव पोर्टल बनाया। अब हम चले जाते हैं, अभी इस यूजर को इंटरनेट एक्सेस देना है, तो हम फायरवॉल में चले जाएंगे कि इसको इंटरनेट एक्सेस कैसे देंगे। फायरवॉल के थ्रू ही कोई ट्रैफिक बाहर जाएगी, तो सिंपल आपको फायरवॉल में आना है। फायरवॉल में आने के बाद आपको ऐड यूजर एंड नेटवर्क रूल क्लिक करना है। अब यहाँ पर हम रूल नेम आपको देना पड़ेगा, यहाँ पर रूल नेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम यूजर बेस्ड फायरवॉल रूल डाल देते हैं, यूजर बेस्ड फायरवॉल रूल, डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं। अब इसको जब आप करेंगे तो यहाँ पे हमेशा इसको टॉप पे रखना है, ये ध्यान देना दोस्तों। जब भी आप यूजर ऐसे रूल क्रिएट करेंगे उसको हमेशा टॉप पे रखना है। और उसके बाद सोर्स नेटवर्क में हमेशा यूजर पोर्टल में लैन रहेगा, और सर्विसेज में हम एनी रखेंगे, कोई दूसरी सर्विस नहीं रखना है। आपको जस्ट नीचे आ जाना और थोड़ा सा, अब यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन जोन में वैन रखना है, क्योंकि जो लैन से है हम वैन की ट्रैफिक भेज रहे हैं, तो हमारा वैन यहाँ आ जाएगा और अप्लाई कर देना है। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं रखना है। अब और थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे मैच यूजर अननोन यूजर्स, इसको चेकबॉक्स रहने देना है। यहाँ पे एनी की जगह पे यूजर एंड ग्रुप के एनी की जगह पे आप ऐड करेंगे और यहाँ पे मेरा नाम सर्च करेंगे, जो हमने यूजर बनाया था जिस नाम से, तो मैंने इस नाम से यूजर बनाया था, यहाँ पर वो यूजर शो हो जाएगा।
और सिलेक्ट करना है। अब हमने क्या किया है, ये रूल जो बना रहे हैं लाइन टू वैन, हम इस यूजर के लिए रूल बनाते हैं। इसे आपके पास बहुत सारे यूजर हैं तो आप वो सारे यूजर का एक ग्रुप बना के यहाँ से ऐड कर सकते हो, सारे यूजर यहाँ दिख जाएंगे। तो यहाँ पे यूजर ऐड करने के बाद आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, थोड़ा सा नीचे जाना है। अब यहाँ पे आपको पॉलिसी रख देनी है कोई भी, जो आप पॉलिसी बनाए। तो मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में जनरल रख देता हूँ, वेब में मैं ऑल अलाउ रख देता हूँ, और एप्लीकेशन में ऑल अलाउ रख देता हूँ। ऐसे आपके यहाँ पे जो रूल वेब का और एप्लीकेशन का बना है वो रूल यहाँ पे आपको ऐड कर देना है, जो भी आप कस्टम बनाएं। और हमेशा याद रखो दोस्तों, लॉक फायरवॉल ट्रैफिक इनेबल करना है, इससे हमको पता चलेगा कि ये यूजर की क्या क्या एक्टिविटी हुई है। अब इसको सेव कर देना है, जस्ट इतना ही करना है। अब आपने फर्स्ट हमने क्या किया, एक यूजर बनाया, उसके बाद कैप्टिव पोर्टल ऑप्शन को इनेबल किया, उसके बाद हमने इस यूजर के लिए एक फायरवॉल रूल बनाया जिससे इंटरनेट तक वो रीच कर सके। अब हमने यूजर के लिए रूल बना दिया, देख सकते हैं हमारा सोर्स लाइन है, यूजर मेरा नाम है, डेस्टिनेशन वैन सर्विसेस यानी एक्सेप्ट है। अब हम क्या करेंगे कि हमको उस यूजर से लॉगिन कैसे करना है ये आपको बताऊंगा। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, अब आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे https://192.168.10.1:8090, ये यूजर पोर्टल का पोर्ट है दोस्तों, जो 8090 है कॉलन लगा के। जहाँ पे आप फायरवॉल का पोर्ट डालते 44, वहीं पे 8090 डालेंगे तो कैप्टिव पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए कैप्टिव पोर्टल कुछ इस तरह से ओपन हो, हमने यहाँ पे अविनाश इन्फोटेज रखा तो वो भी प्रॉपर आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने जो यूजर नेम बनाया था उस यूजर नेम से यहाँ पे लॉगिन करना है। तो जो हमने यूजर क्रिएट किया था उसका नाम रखा था अविनाश, और मैंने उसका कुछ पासवर्ड रखा था, वो पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ और साइन इन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो अकाउंट बनाया था उस अकाउंट से साइन इन हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यू आर साइन इन एज अविनाश, डोंट क्लोज दिस पेज, ये मैसेज आ गया साइन आउट के लिए बोल। अब हम इंटरनेट चला के देखते हैं कि हम इंटरनेट हमारे इस रूल से इंटरनेट पास हो रहा है नहीं, फायरवॉल रूल जो हमने बनाया वो सही प्रकार से चल रहा है नहीं। अब यहाँ से हम क्या करें, इसको गूगल सर्च करेंगे। देखो दोस्तों, हमने जो रूल बनाया उसमें प्रॉपर चल रहा है, हमने साइन इन भी किया और इंटरनेट भी चला के देखा। सबसे पहले हमने यूजर अकाउंट क्रिएट किया, उसके बाद कैप्टिव पोर्टल बनाया, फिर फायरवॉल रूल बनाया, और फिर उसको साइन इन कैसे कैसे वो बनाया और लॉगिन करके सक्सेसफुल हुआ। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको भी करना है। हाँ, अगर मैं आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।